मारू द्या, जीवात पासून ठार तर नाही करणार ना, ठार केलं मग बघू, नाही तर आम्ही लॉक लावणार आमच्या वरती, आम्ही जेवण बनून बनून माझ्या डोळ्याला झोप नाही, नुसतं की डोकं फाटून झालं सगळ्यांना, माझी मुलगी डिलिव्हरी झाली घरात 4 दिवस झाले, 31 तारीखला माझी मुलगी डिलिव्हरी झाली, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जगह वसई पूर्व के फादरवाड़ी कासर पाड़ा एरिया कहा जाता है, सर्वे नंबर 113। ये सर्वे नंबर आप याद रखना, स्पेशली सर्वे नंबर का मैंने जो मेंशन किया वो सर्वे नंबर में आऊँगा उसके ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये कुछ पिलर्स लगे हुए हैं, उसके पीछे बुलडोजर आए हुए हैं, यहाँ पर तोड़क कार्यवाही आज बड़े पैमाने पर होने वाली है, और इस पिलर से लेकर वहाँ पर सामने की तरफ कुछ पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तक ये पूरा ज़मीन जो है रेलवे अधिग्रहण करने वाली है और रेलवे की तोड़क कार्य इस पर होने वाली है। यहाँ के पुराने, यहाँ के जो निवासी है, कोई अपने आप को 25 साल पुराना निवासी बता रहा है, कोई 45 साल, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी बताए हैं, ऐसा नहीं कि उनका दावा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट पेपर के ऊपर भी बताए हैं। अब उनमें से रेलवे इनको मुआवजा भी दे रही है, इनको ये जगह खाली करने में, विकास काम में बाधा नहीं भी बनना है, ऐसा भी बोला जा रहा है, लेकिन यह है कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ न्याय रेलवे नहीं कर रही है, शासन जो है वो न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको जो मुआवजा दिया जा रहा है तो चाहे 200 स्क्वायर फीट का मकान हो तब भी 14 लाख रुपए दिया जा रहा है, और 2000 स्क्वायर फीट का मकान है तब भी 14 लाख रुपए दिया जा रहा है। एक ये विषय है, इसको लेकर यहाँ के लोग थोड़े संतप्त है निवासी। दूसरा विषय ये है कि इनको समय नहीं दिया गया, इनको 5 दिन पहले नोटिस दिया जाता है और आज थोड़ा कार्य करना है, इतने जल्दी घर शिफ्ट करना कोई आसान नहीं होता है। इससे पहले भी रेलवे ने नाला सुपारा में भी बड़ी कार्रवाई की थी, हमने देखा था, और रेलवे यहाँ भी आज कार्रवाई करने वाली है। अब मैं फिर आता हूँ सर्वे नंबर 113 जो मैंने बात कही थी उस पर। तो वसई के नक्शे पर सर्वे नंबर 113 काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि सर्वे नंबर 113 जो है वो मोस्टली शासन की ज़मीन है, महाराष्ट्र शासन। अब इन लोगों का दावा है कि इनके पास जो पुराने 712 है उनमें इनके बाप दादा के नाम थे, वो कब हटाए गए, कब शासन के नाम पर हुई, ये एक सवाल बड़ा है, उनकी जानकारी इन लोगों को क्यों नहीं दी गई। दूसरी बात कि इसी सर्वे नंबर 13 पर, यह कहीं सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ सर्वे नंबर 113 है, इसी सर्वे नंबर 113 पर बाहर मेन रोड की तरफ, वसई ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर नए नए चार माला के अनाधिकृत बांधकाम खड़े हैं, उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, वो भी शासन की ज़मीन है, हालांकि वो रेलवे के अंडर में नहीं होगी, यहाँ पर कार्रवाई रेलवे कर रही है, लेकिन एक तरफ जहाँ 1988 के मकान को इल्लीगल बताकर तोड़ा जाता है, वहीं 2022 में बने इल्लीगल मकान को कुछ नहीं होता है। तो क्या 2022 में बनने वाले मकान में आज पैसा डालने वाले लोग जो वहां अपना पैसा डालेंगे उनके साथ फसावट नहीं हो रही है? क्या शासन को उनको नहीं रोकना चाहिए? क्या जिलाधिकारी आँख बंद कर बैठे हुए हैं? क्या उनको रोड की चार माला की बिल्डिंग नहीं दिखती है? गरीबों के झोपड़े तोड़ने जहाँ शासन आता है उनको चार माला की बिल्डिंग नहीं दिखती है? तो अलगरज इतना सब कहने का मकसद ये है कि इस कार्यवाही को लेकर किसी का भी विरोध नहीं है, कार्यवाही के तरीके को लेकर थोड़ा विरोध है, और उसमें उनकी अपनी मांग है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं, ये भी गोखीवरे का क्षेत्र है, यहाँ बाजू में महानगर पालिका का गार्डन है, और एक चार माला पाँच माला की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ चाल पर रूम पर कार्रवाई होती है, 25-25, 30-30 साल पुराने रूम के ऊपर, चाल के ऊपर कार्रवाई होती है, वहीं दूसरी तरफ चार माला पांच माला, जैसा मैंने अभी बताया कि चार माला की बिल्डिंग इल्लीगल खड़ी है, हालांकि ऐसा भी सुनने में आया कि इस बिल्डिंग को लेकर कोर्ट में मामला जारी है, कोर्ट में स्टे है, लेकिन क्या वो महानगर पालिका हो या तहसील प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति बताई है? ये भी सर्वे नंबर 113 पर है, सर्वे नंबर 113 पूरा ही शासन का सर्वे है, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी बड़ा झोल, हम बोल सकते हैं कि झोल एक तरह का दिखाई देता है। एक तरफ
25-25-30-30 साल पुराने मकानों को ढहा दिया जाता है, दूसरी तरफ हाल ही में बनी बिल्डिंगें जो है उनको खरोंच तक नहीं आती है। हमने यहाँ के रहवासियों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। काकी काय सांगाल संपूर्ण हे प्रकरण काय? ठीक आहे बघा, मी इथे 35 वर्ष झाली वसायला येऊन। नाव सांगा ना तुम? माझं नाव निर्मला सायमन डिसोजा, 35 वर्ष झालं मी वसायला येऊन। पण ही जागा आम्हाला असं माहिती नाही होती की सरकार जमा झालेली आहे। सरकार जमा झालेली असती तर मला माहिती पडलं तर ही जागा मी घेतली नसती। कधी झाली सरकार जमा? कधी झाली ही सरकार जमा? झाली 2008 की 1990 पासून यायला लागले ना। 1990 ला आम्हाला असं माहिती पडले की सरकार जमा झाली महसूल खात्यामध्ये। त्यानंतर हा प्रकरण आम्हाला माहिती नाही होता। आम्ही जागा घेतलो, जागा बांधलो एवढ्या वर्षात, तर मला 35 वर्ष झाला इथे राहून। आता हे लोक बोलतात की तोडायचं आहे तोडायचं आहे। आम्ही का म्हणतोय त्यांना आमची जागा देऊ? आम्ही तर फुकट नाही घेतलेली आहे, पैसे देऊन घेतलेले आहे। पहिले हे लोक बोलले आम्ही तुम्हाला 6 लाख देणार। 6 लाखमध्ये कोपरा तरी भेटतो का? त्याला सांगा सरकारला की आम्हाला एक कोपरा घेऊन देवावं, आम्ही घेतो ते कोपरा। नाही भेटणार। मग थोडं आम्ही लाल बोटावाल्याकडं गेलो, संघटनामध्ये गेलो, त्यांची मदत घेतली, ते आले आम्हाला मदत केले। आम्ही किती मोर्चा काढले, 3-4 मोर्चा काढलं, पालघरपर्यंतही मोर्चा काढले, प्रांत ऑफिसला मोर्चा काढले, हे सगळं मोर्चा काढल्यापर्यंत आम्हाला आज मोबदला 14,17,000 देत जात आहे। 14,17,000 देत आहे। त्यानंतर माझं घर 3 आहे माझा, साडेपाचचा एरिया आहे। त्याच्यामध्ये मला फक्त मोबदल्यामध्ये 1 रूम देत जात आहे, दुसरा 2 रूम पात्र केलेला नाही, 1 रूम पात्र केलेला आहे। मी त्याच्यासाठी भांडणं करते की मला 2 रूम तरी पात्र करा। माझा मुलगा कुठे राहणार, मी कुठे राहणार? आजकालच्या टायमात मुलगा आणि सून कोणाचंच नसतात। मी माझं बसवणार, ते त्याचा कमवणार, ते त्याचा बसवणार। त्यानंतर आम्ही प्रांत ऑफिसला गेलो, परवाच्या दिवशी 4 तारखेला आम्ही पालघरला गेलो, बायका सगळं मोर्चा घेऊन गेले। त्यानंतर आम्हाला पालघरला पवारसाहेब नाही भेटला, आम्हाला एकच पाहिजे होता। ठीक आहे, आम्ही आपला कागदपत्र तुमचा हवाले करतो, पण आम्हाला मोबदला काहीतरी जास्त मिळावं यासाठी आम्ही जमा करत आहे। पण ते लोकांनी त्याचं उत्तर दिलं नाही आम्हाला। पवारसाहेब किती दिवसाची नोटीस देऊन तुम्हाला कारवाई होते? आम्हाला बघा, आम्हाला सांगितले की तुम्हाला 4 तारखेला मला नोटीस आली, 9 तारखेला मला बोलले की कागदपत्र जमा करायचं आहे। पण मी 4 तारखेला नोटीस आली, 4 तारखेला मी कागदपत्र माझं जमा केली। पण सर, जमा केल्यानंतर पण तेवढं म्हणजे आज मी जमा केले तर आता मला मोबदला दिल्यानंतर मी आता तर नाही खाली करणार आहे। लगेच मी खाली नाही करणार। मला ह्याच्यासाठी माझा मागणी आहे की आम्हाला शासनाकडून आज जोडून विनंती करतो की आम्हाला जास्तीत जास्त आम्हाला वेळ देऊन आम्हाला निष्कासित करावा। हाच माझी नम्र विनंती आहे प्रशासनकडून, बाकी काहीच नाही माझी नम्र। जर तुम्हाला वेळ मिळाली तुम्ही हे रूम सोडणार? हो, आम्ही लिहून देतो। आम्हाला वेळ भेटल्यानंतर हा आम्ही रूम सोडायला तयार आहे। योग्य मोबदला भेटायला पाहिजे, योग्य मोबदला भेटायला पाहिजे। वेळ तर आम्हाला पाहिजेच, पण आम्हाला योग्य मोबदला पण पाहिजे। सर, ज्यांचं घर 8x10 होते त्यांना पण 14 लाख देता गेला, आणि ज्यांचं घर 1,000 स्क्वेअर फूट मध्ये त्यांना पण तुम्ही 14 लाख देताय। हे कसं आम्ही मान्य करणार तुम्ही सांगा? आम्ही घोर गरीब आहे म्हणून आमच्यावरती अन्याय होत आहे। मागण्या केलेल्या आहेत, जर शासनाने मान्य नाही केलं तर तुमचं पुढचं पाऊल काय असेल? आमचा ताबा आम्ही सोडणार नाही, आमचा ताबा आम्ही सोडणार नाही। आमची मागणी पूर्ण झाली, पोलीस काय करणार? मारणार आहे का आम्हाला? मारणार आहे का? मारू द्या, जीवापासून ठार तर नाही करणार आहे ना। ठार केलं मग बघू, नाही तर आम्ही लॉक लावणार आमच्यावरती। आम्ही घरात राहणार, आम्ही आमचा ताबा सोडणार। 4 दिवस झालं माझ्याकडे हात नाही, पाणी नाही, जेवण बनून मी झोपून नाही। मला माझ्या डोळ्याला झोप नाही, निसतं की डोकं फाटून जात। माझी मुलगी डिलिव्हरी झाली घरात, 4 दिवस झाले, 31 तारखेला माझी मुलगी डिलिव्हरी झाली। आणि त्याला घेऊन मी कुठे जाऊ? ही बाई घर पडले, चक्कर पडत आहे। हे लोक खूप अन्याय करत आहे सर आमच्यावरती। म्हणजे ते लोक आम्हाला, माझं नाव दीपाली डवले आहे, ते एका घराचे म्हणजे स्क्वेअर किती पण असला तरी फक्त 14 लाख देतात। एखादे म्हणजे वडील आहेत आणि त्याची 3 मुलं आहेत, मग ते 14 लाख ते कसे डिवाइड करणार आहेत? त्या मुलांना ते काय देणार आहेत? हा माझाच प्रश्न आहे की त्या मुलांना, अगर एखाद्या वडिलांना 3 मुलं असले, ते 14 लाख एका घराचे 14 लाख, कारण घरपट्टी वडिलांच्या नावावर आहे, आणि मग त्यांना 14 लाख येतात, मग ते 14 लाख 3 मुलांना कसे घर ते घेऊन देणार आहेत ते 14 लाख मध्ये?
तसे प्रश्न आम्ही शांतीनगर पाड्यात राहतो तसे प्रश्न प्रत्येकाचे आहेत. आता हे आहेत पुढे गेले ह्यांचं स्क्वेअर फूट म्हणजे जवळजवळ 700 ते 800 स्क्वेअर फूट आहेत. दोन तेव्हा तीन मुली दोन मुलं आहेत. मग त्यांचं ते 14 लाखात काय करणार आहेत, कोणाला देणार आहेत, त्यांच्या आईचा, त्यांच्या भावाचा, त्यांच्या बहिणीचा, अजून दुसरे आमच्या आदिवासी जवळजवळ 8 कुटुंब आहेत. प्रश्न आहे घर मोठी आहे परंतु तुमची फॅमिली मोठी आहे, अनेक लोकांनी घर खाली गेलेली आहे, तुमच्या 10 रूमच बाकी राहिलेले आहेत. म्हणजे ज्यांनी जे खाली गेले त्यांचे फक्त 10 बाय 15 तुमचं म्हणणं आहे का ज्यांचे छोटे रूम होते त्यांना पैसे भेटले ते राजी झाले, पण तुमची जागा मोठी आहे पण तुम्हाला पण तेवढे पैसे भेटतात. आता मला सांगा, आता रेल्वेचे अधिकारी कार्यवाही करण्यासाठी आलेले आहेत, जर आता ते कारवाई करत पुढे तर येतीलच. तुमचं ज्यांचे घर बाकी घरांचा मोबदला किंवा जे काही प्रश्न जे प्रलंबित आहेत त्या संदर्भात तुमचं पुढचं पाऊल काय असेल, कारण आता ती कारवाई तर करणारच आहे. सर आम्ही आमचं घर तोडायला नाही देणार, आम्ही आमच्या घराचा ताबा घेऊन आम्ही आमच्या घरातच राहणार आहे. आम्ही घरापासून हटणार नाहीये, हा आमचा लास्ट पर्यंत हाच निर्णय असणार आहे. एवढ्या वर्षापासून तुम्ही घरपट्टी भरताय, लाईट बिल भरताय, सगळं व्यवस्थित आहे, पण आज तुमची जागा लिगल नाही दाखवून तुम्हाला तोडक कारवाई होते. राहता घरामध्ये 2010 असू दे किंवा 2022 असू दे, हे बघा घरपट्ट्या पण बंद केल्या त्यासाठी आमच्या. मग आम्हाला माहित असत आम्ही घरपट्ट्या केल्या असतात की नाही, एका एका रूम वर मुलाच्या नावावर याच्या नावावर केलं असतं की नाही, पण ते बंद करायला दिलं नाही, घरपट्ट्याच बंद केल्या. 2008 पासून घरपट्टी बंद आणि आम्ही असं 2008 पासून तुम्हाला घरपट्टी पासून बंद घरपट्टी नाही. आता आता हा जो क्षेत्र आहे ग्रामपंचायतीच्या आधीमध्ये आहे की वसई विरार महानगरपालिका, आता वसई विरार 2010 असून वसई विरार नगरपालिका. तुम्ही आता इथे पुढे आलेले आहेत आणि हे प्रकरण काय असेल? आता आमचं घर एकूण 12 ते 50 फूट आहे. हां, सासरा आणि सासू एका रूममध्ये राहतात. आमच्या घराची घरपट्टी बनवली नाही आणि जायच्या ऑफिसमध्ये तेव्हा बोलतात घरपट्टी बनत नाही. आता माझ्या दोन छोटी कुठे जाणार, कुठे जाणार? तुम्ही काय मागणी एकीकडे? माझी मागणी अशी जशी यांना दिले ज्यांना घरपट्टी, आमची घरपट्टी बनवली नाही, तिकडनं जायच्या माझ्या मिस्टर ऑफिसमध्ये. मग कशी बनवणार घरपट्टी? एकीकडे अनधिकृत बांधकामाला वसई विरार महानगरपालिका जाम घरपट्टी लावून देते. तुम्हाला कशासाठी त्यांनी घरपट्टी एवढे वर्ष बंद तुमची आकारली जातात? जायचे ते ऑफिस मध्ये घरपट्टी एकदम बंद केलेली. छोटी मुलं घेऊन आज जर ते घर तोडायला आले तर मी पोरांना घेऊन कुठे जायचं? छोटी छोटी पोर आहेत माझी, मोठी पण नाही का त्यांना? हे वेगळे राहतात आणि त्यांचे. सर काय सांगाल तुम्ही, इथे किती दिवसापासून राहताय आणि तुमचं घर अपात्र केलं असं तुम्ही सांगितलेलं आहे, त्याचं कारण काय? कारण यह है कि 88 से हम लोग का यहाँ पे खरीदी पेपर है. 88 के बाद हम लोगों ने 93 में इसका घरपट्टी लगाया. घरपट्टी लगाने के बाद इतना बड़ा घर हम लोग ने किया, कम से कम 1500 स्क्वायर फुट का हमारा घर है. उस घर पे उन्होंने GB नंबर डाला 113x10x1, वो उनके लेफ्ट इसमें कंप्यूटर में PC में दिखा रहा है कि ये अनलीगल है, जबकि हम लोग 88 से यहाँ पे लेके जमीन लेके 93 से बांध के यहाँ पे हम ऑलरेडी रह रहे हैं. क्या बेस पे अनलीगल बताया? आपके पास दस्तावेज पूरे पेपर? उन्होंने बोला, उन्होंने अभी जो रेलवे वाले ने GR जो घोषित किया है, GR 113x10x1 GB उन्होंने घोषित किया है कि ये अनलीगल है, यानी यहाँ पे कोई रहता नहीं, एक ही आदमी का पूरा घर है, हम मान्य नहीं कर रहे हैं. हमारा उनसे एक ही कहना है कि हमारा जो भी घर है 113x10x1 इसको लीगल करें. इसमें जो हमारे बाजू में जो रहने वाले हैं, हमारे गांव के पड़ोसी हैं, वो लोग भी घर लेके बैठे हुए हैं, उनका घर नंबर नहीं डाले हुए हैं, एक ही नंबर दो नंबर पे डाले हैं, दो घर पे डाले हैं, सेम नंबर स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर अलग है, वो स्ट्रक्चर अलग है, दोनों पे सेम नंबर डाले हैं. हमने जब गया पालघर में बोलने के लिए तो बोले कि हम मन्ने नहीं करेंगे, आपका अनलीगल है. गूगल से सर्वे हुआ है उस पर एक ही दिखा रहा है, जबकि पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर आप देखने जाएंगे तो एक ही दिखता है. घरपट्टी या झोपड़पट्टी जो बनता है, एक दीवार को टच होकर बनता है. वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक एक हम बंगलो बना रहे हैं. यहाँ पे इतना दिन से रहने के बाद भी आज रेलवे वाले पुलिस वाले का धमकी दे रहे हैं हमें कि आप नहीं खाली करोगे तो हम ऊपर से बुलडोजर डाल देंगे, हम आपको अंदर ही बंद कर देंगे, जबरदस्ती पुलिस ला के आपको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद हम तोड़ देंगे.
आता रेल्वेचे अधिकारी रेल्वेचे काही कर्मचारी थोडं कारवाई करायला आलेले आहेत, आता ते कारवाई करणार आहेत. जर तुमच्या घरापर्यंत आले तर तुमची पुढची प्रोसेस. हम यहां से खाली नहीं करेंगे, इसी में हम अपना सामान रखेंगे, दरवाजा बंद करके हम अपना समाधि ले लेंगे. इतने तक वो लोग आदमी को हरासमेंट कर रहे हैं, इतना हरासमेंट वो लोग कर रहे हैं, हमारा करने पुलिस वाले हमें कोऑपरेट कर रहे हैं. सर जी मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं पुलिस वाले हमें कोऑपरेट कर रहे हैं. पुलिस वाले बोल रहे हैं रेलवे का जब घर तुम तोड़ रहे इनको पैसा दो, जो पात्र अपात्र है जो इस तरह से है इनको पैसा दो, पैसा देने के बाद इनको टाइम दो तोड़ देंगे, हम खुद खाली करके जाएंगे. हम नहीं ना बोल रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में हम आड़ आ रहे हैं. हमारा कहना उनसे हाथ जोड़ के एक ही बात है कि सर जैसे आपने सबको पात्र करके दिया है हमें भी पात्र करके दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम भी खुश है कि हमारा इंडिया गवर्नमेंट डेवलप कर रही है. लेकिन छोटे छोटे आदमी को उन्होंने करके दिया, जो आप 20 का 22 का सब उन्होंने करके दिया. हमारा घर 88 का है, उस पे अभी तक उन्होंने अनलीगल माने करके रखा हुआ है. हमको थोड़ा टाइम देवे हो, हम सब पेपर देंगे उनको, सब तरह से कोऑपरेट करेंगे, हम ना नहीं बोल रहे हैं. सर क्या बताएंगे आपका यहाँ पर जो डिमोलिशन चालू है उसके बारे में क्या? देखिए मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जो पहले से बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं, रेल वाले बोलते हैं कि ये घर पात्र है, ये घर अपात्र है, ठीक है, सात बजे की है, घर पट्टी सबकी लगी हुई है, तो कुछ लोग पात्र कर रहे हैं और कुछ लोग अपात्र कैसा क्यों? जब इनका कहना शुरू में लोगों ने कि आप लोग की 2010 के पहले की घर पट्टी या लाइट बिल होना चाहिए, उसके ऊपर आपको पात्रता होगी और आपका पेमेंट आएगा. यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट पेपर के उनके पेमेंट पास हुए हैं. मेरे पास ऐसे बहुत से किस तरह जो आदमी को कम प्रॉब्लम है उसको बुलाकर पूछेगा बगल में क्या पास जो मेरे ऑफिस पे हो आपका हम करके देते हैं, आपको कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एग्रीमेंट लाओ तो एक मिनट पे हम करके देंगे. और जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो चक्कर काट रहे हैं. इनफैक्ट खुद मेरा है 2007-08 की मेरी घर पट्टी है, अभी तक सबको नोटिस है, मुझे ना नोटिस ना कोई कॉल तक कुछ नहीं आया. मतलब आपका तोड़क कार्रवाई का अभी तक कुछ नहीं, मुझे तो अभी तो सबको नोटिस दिया, मुझे तो नोटिस तक नहीं आया. जब मेरा घर 2007-08 का है तब की घर पट्टी है मेरी. मांग क्या आपकी? मांग क्या, अभी जो कर रहे हैं तो क्लियर कट करें, ये फ्रॉड वाला जो काम कर रहे भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचार बंद करें, और ये सब जो भी तोड़ करवाई हो रही है तोड़ करवाई सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा करके दबा चाहते हैं कि लोगों को डराएं और लोग जाके फिर दलाल के थ्रू काम करें. लोग पुलिस वाले इतना ज्यादा दे रहे हैं जिसका हिसाब नहीं है. परसों मैं गया था पालकर ऑफिस में तो डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि ये काम कर चल तू निकल तो पुलिस को बुलाएंगे. हमारे घर के लिए हमें सुख करना पड़े जैसे कि हम किसी पुलिस स्टेशन बैठे पुलिस नंबर हम कोई क्रिमिनल है. सैटरडे को इनके साथ पुलिस आई हुई थी, पुलिस वाले ने रेलवे वाले को बोला कि आप गलत क्यों कर रहे हो, आप जिस लीगल जो घर में जो लाइन में आपके घर आ रहे हैं उनको आप पात्र करो, उनको पैसा दो, अगर घर खाली नहीं करते हैं तो फिर बोलो. पुलिस वाले ने उनको समझाया रेलवे वाले को, फिर भी रेलवे वाले ने पुलिस वाले को दम डांटी. हम लोग के ऊपर प्रेशर डालने के लिए पुलिस वाले का कोऑपरेट करके हम लोग के ऊपर हावी हो रहे हैं, हम लोग को डरा रहे हैं कि आप खाली करो नहीं तो हम पुलिस लेके आएंगे, डंडा मारेंगे और फिर हम सबको बाहर निकालेंगे, घर तोड़ेंगे, बुलडोजर लेके आए हुए हैं. जबकि बहुत ऐसा यहाँ पे घर है सर जी की 2015 का पात्र किया हुआ है. हम ये नहीं बोल रहे कि आप पात्र नहीं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो पात्र किया, वेरी गुड, हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं. लेकिन हमारा भी घर 88 का 93 का घर पट्टी है, आप हमें पात्र करके दो, हमारा नंबर डाल के दो. हमारे बहुत सारे घर पे नंबर नहीं डाला हुआ है, उसके लिए हम गए थे तो बोलते हैं कि अभी हम नंबर नहीं डाल सकते हैं. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.